महादुला कोराडी में भारत बंद के समर्थन में महादुला कोराडी कांग्रेस कमेटी की ओर से किसान कानून के विरोध में तीव्र आंदोलन किया गया। केंद्र सरकार के उदासीन रवैये पर लोगों में आक्रोश दिखा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे ने। सरकार मुर्दाबाद, 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 अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र के कृषि बिल के विरोध में जहां पर पूरे भारत में आज पूरा भारत बंद है, वहीं पे किसानों की जिस तरह से मुद्दे से केंद्र सरकार कहीं भी उस मुद्दों को ध्यान दे रही है, जो कि कृषि जो है किसानों का जो कृषि कानून जो लाया है उस पर पूरे भारत में आज बंद का ऐलान किया गया। वहीं कोराडी महादुला के स्ट्रीट पॉइंट में खड़ा हुआ वहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर विरोध किया जा रहा है किसानों के जो बिल जो जिन्होंने सरकार ने केंद्र सरकार ने किसानों के विरोध में जो बिल लाया है उस पर यहाँ पर केंद्र सरकार के नीतियों को लेकर यहाँ पर पूरे भारत में केंद्र सरकार की यहाँ तो हो रही है, लेकिन क्या केंद्र सरकार इस कानून को बदलेगी? बार बार किसानों के इस मुद्दे को लेकर चारों तरफ से अभी फिलहाल केंद्र सरकार घिरी हुई है, लेकिन आज भारत बंद में कितनी तरह से सफल आयोजन होगा? मेरे साथ पे पूर्व नगर सेवक महादुला के रत्नदीप रंगारी, उनसे बात करते हैं कि इस कानून के इस विरोध में क्या कहेंगे भाव? जिस तरह से विरोधा जो कांग्रेस की तरफ से जो विरोधी शेतकरी विरोध कायदा जो लाया है केंद्र सरकार ने, चारों ओर से जिस तरह से आलोचना हो रही है केंद्र सरकार के इस कायदे से किसानों को किसी तरह का फायदा नहीं हो रहा है। पूरी तरह से अपन देख रहे हैं कि आज के दिन से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक की क्या कहेंगे आज तक क्या हो रही है? ये मोदी सरकार की पूरी तानाशाही चल रही है। केंद्र सरकार में जो विधेयक पास हुआ है उनके पास पूरी मेजोरिटी से उन्होंने पास किया है संसद में। अगर वो हरियाणा पंजाब के लोग आज शांत पद्धति से वो आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन में उनका एक ही न्याय है कि जो कायदा है काश्तकार लोगों का, शेतकरी लोगों का, वो न्याय रद्द किया जाए। वो कर सकते हैं मोदी सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार बीजेपी गवर्नमेंट की है और दो दिन का अधिवेशन संसद में ला सकते हैं वो, और वो कायदा रद्द हो जाता है, क्योंकि बहुमत के लिए सब जो विरोधी वाले भी वो भी तैयार है कि वो केंद्र सरकार जो काश्तकार का कायदा है वो कायदा रद्द होना चाहिए। हमने देखा है अभी तक के कि सरकार ने जिस तरह से जितने भी कायदे लाए हैं उसमें बहुत सारे भारत के लोगों ने उसके ऊपर उसके अक्सर लिया है, और इस कायदे को लेकर किसानों का जिस तरह से किसान पूरी तरह से आठ दिन से लगातार आज भारत बंद है, कांग्रेस की ओर से भी समर्थन दिया गया है, तो सरकार ने जल्दी से इस कानून को बदल कर नया कानून लगा दिया। महाविकास आघाड़ी सरकार ने सेना बीजेपी सेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने इन्होंने पार्टीपा जाहिर किया है, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रवादी और शिवसेना को मालूम है कि काश्तकारों को शेतकरी को न्याय मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने जो संसद में पारित किया वो जो विधेयक, वो विधेयक रद्द होना चाहिए करके उन्होंने पाटिंबा जाहिर किया है। संजय भाव, जिस तरह से केंद्र सरकार की नीतियाँ जिस तरह से अभी फिलहाल दिख रही है आम जनता से, कोरोना से लेकर अभी तक की आम जनता की जिस तरह से हाल अपेक्षा हो रही है, नया कानून लाकर किसानों को मारने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, तो क्या आप सीधा विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विरोध में? ये जो केंद्र सरकार ने जो तीन कायदे जो लाए हैं इसमें जो किसानों के बारे में जो है वो किसानों के साथ में न्याय नहीं हो रहा। इसमें जो तीन कायदे उसमें एक पहला कायदा ऐसा है कि जो कायदा लाए उसमें जो जीवनाशक वस्तु जो रहती है वो साटेबाजारी जो जमाखोरी नहीं करना चाहिए, ऐसा कायदा उन्होंने क्या कर दिया, जो पहले कायदा था जमाखोरी नहीं करना चाहिए उन्होंने अभी नया कायदा लाया कि उसमें जमाखोरी के लिए जो ये जो जीवनाशक वस्तु जो है वो कोई भी ये कर सकते हैं, यानी जो बड़े बड़े जो गोडाउन है उसमें साटेबाजारी करके जमाखोरी करके उसके बाद में फिर बाद में कम किसानों से कम कीमत में खरीदना और बाद में जमाखोरी करने के बाद में ज़्यादा कीमत में बेचना। उसके साथ में दूसरा कायदा ऐसा है कि उन्होंने जो खेती है किसानी जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करने का कायदा है, और तीसरी चीज़ यह है कि जो अपनी जो कृषि बाजार उत्पन्न समिति जो है ये बाजार समिति इस कायदे से ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए जो देश के किसान आज जो जन्माक्रोश तैयार हुआ इसी कारण तैयार हुआ कि जो तीनों कायदे है किसानों को मारने वाले कायदे, इसलिए ये तीनों कायदे रद्द होने को ना। आम जनता तो इस लॉकडाउन में पूरी तरह से मर चुकी है, किसानों को भी कई तरीके की स्थिति पर जिस तरह सरकार के कानून के माध्यम से
पूरे भारत में किसान ने विरोध किया है, जंतर मंतर से लेकर दिल्ली तक के इस विरोध में है, और आज यहाँ के माध्यम से विरोध आप महादुला कांग्रेस कमेटी भी कर रही है, तो क्यों किसानों को खत्म करने की कोशिश करे सरकार? ये जो कायदा है गलत कायदा है, इसलिए हमारे जो माननीय मंत्री महोदय जो है सुनील बाबू केदार, इनके आदेशानुसार हमने किसानों के जो आंदोलन को पाठिंबा दिया है, और हमारे यहाँ के जो नेता है रत्न भाव रंगारी, इनके नेतृत्व में हम यहाँ पे ये जो किसानों का आंदोलन को समर्थन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो किसान विरोधी जो कायदा है वो किसानों के खिलाफ आए और ये कायदा रद्द होने का ना, इसलिए हम रत्न भाव के नेतृत्व में हम ये मांगनी कर रहे हैं। दर्शकों को देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर जो है महादुला कोराड़ी कांग्रेस की ओर से यहाँ पर समर्थन तो दिया है, लेकिन क्या आने वाले समय में जिस तरह से मोदी सरकार की बात की जाए या फिर केंद्र सरकार की बात की जाए, तो इस किसानों के जो विरोध बिल को क्या किसानों के माफ करके नया बिल पारित होगा, या किसानों का आंदोलन कितने दिन चलेगा, या किसान के आंदोलन को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं? पूरे भारत में आज तो पूरा भारत बंद है, किसानों ने अपना यहाँ पर जिस तरह से किसानों ने अपनी यहाँ पर विरोध जताया और बंद का आयोजन किया है, और किस तरह से आने वाले समय में ये किसान विरोधक बिल खत्म होता है या नया किसान विरोधी बिल फिर से यहाँ पर किसान नया बिल पास होता है, ये तो देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सुब्रत सोनेकर के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी, महादुला।